कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी को भी 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, भरपेट कपड़ा नहीं मिल रहा है, और आपके परिवार के सदस्यों को ये एहसास हो कि हमारे परिवार का बहुत अच्छा हो रहा है। देश तो देश के लोगों से बनता है ना। बिल्कुल। देश जब देश के लोगों से बनता है और देश की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है, किसानी पर निर्भर करती है, और किसानों की हालत यह है कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, तो फिर देश में अच्छा कैसे हो रहा है? ये एक माया जाल है, और ये माया जाल आपके सामने गढ़ा कैसे जाता है? अभी धनतेरस आएगा ना, हे नूनू एगो टीवी खरीद के ला दो, सास बहु वाला सीरियल देखेंगे, तो ले आइए टीवी खरीद के, पैसा आपका, रिचार्ज आप कराए हैं, और वहां पे एंकर आएगा और आपको ये बताएगा कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। अरे जीवन आपका है, समस्याएं आपकी हैं, जेल आप रहे हैं, और माइक लेकर के हम आपको समझाएंगे कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। मीडिया वालों को ले लिया ये तरीका। दरअसल पहले कंपनी कोई सामान बेचना होता था ले रहा, तो कंपनी प्रचार करती थी। क्या प्रचार करती थी? कि 2-3 हफ्ता फेरन लवली मुंह में रगड़िएगा तो मुंह गोरा होगा। क्या जो फेरन लवली लगाने वाला मुंह गोरा हुआ है? नहीं हुआ है, देखिए आदमी बोल रहा है। क्या को हुआ है? लेकिन लोग फेरन लवली मुंह में घसे जा रहे हैं, घसे जा रहे हैं। मैंने बाबुओ जी घस रहे थे, बेटो घस रहे हैं, और उसका बेटा भी घस रहा है, बिना सोचे हुए कि मुंह गोरा हुआ कि नहीं हुआ। अव्वल तो ये बताइए कि अगर मेरा मुंह काला है तो क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या काला आदमी नाक से सांस नहीं लेता है, कान से सांस लेता है? क्या काला आदमी को मारेंगे तो आंख से आंसू नहीं गिरेगा, नाक से आंसू गिरेगा? ये जो भेदभाव था, ये भेदभाव की शुरुआत दरअसल किसने की? ये ऊंच नीच की व्यवस्था किसने कायम की? जो ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ है, तो ऊंचे पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो चाहेगा कि समाज में ऊंच नीच रहे। लेकिन आप जो लोग हैं, आपको जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बराबर के पैदान पे ला करके बिठा दिया, इसका मतलब आप उस अधिकार का मूल्य नहीं समझ रहे हैं, उस अधिकार की ताकत नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको कौन सा अधिकार दे दिया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको कहा कि ब्राह्मण का वोट भी एक और दलित भी एक आदमी का वोट एक एक गिनती होगा, मुसलमान का वोट भी एक और हिंदुओं का वोट एक होगा। अपनी जनानी को घर में आप भले सता लीजिए, लेकिन ईवीएम मशीन पे मालिक साहब आपका वोट भी एक ही होगा और जनानियों का वोट एक ही होगा। पैसा वाला का वोट भी एक ही होगा और जूता सिलने का वाला का भी वोट एक ही होगा। यह जो संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दे दिया, इस बराबरी के अधिकार का ही कीमत था कि नेताजी कम से कम 5 साल में आपको एक बार हेलीकॉप्टर से उतर करके हाथ जोड़कर राजा का बेटा, यही मुंगेर में बहुत सारा किला है, राजा का बेटा प्रजा से पूछ करके राजा बनाता था। राजा पूछता था प्रजा से कि हम कौन सा बेटा को राजा बना दें, लेकिन सरकार को तो पूछना पड़ता है कि किसकी सरकार बनेगी, चुनाव कराना पड़ता है। यह जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला, यह संवैधानिक अधिकार संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करके, चुनाव का इस्तेमाल करके, चुनी हुई सरकार सरकार में बैठ करके आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आपके संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है। इस बात को आप समझिए। और कैसे आपके संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है? व्हाट्सएप से मोबाइल आपका, रिचार्ज आपका,
लेकिन उस मोबाइल पे आप क्या देखेंगे और आपको क्या दिखाया जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है। टीवी आपका, रिमोट आपका, रिचार्ज आप कराए हैं, घर आपका है, बिजली समय आपका है, आंख आपकी है, लेकिन क्या दिखाया जाएगा ये आप नहीं तय करेंगे। इस्तेमाल कर रहे हैं आप समझिए, दुष्प्रचार का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जब आपको एक ही बात बार बार बताई जाएगी, ठंडा मतलब कोका कोला, बिजली हर गांव में पहुंची ना पहुंची, हर बारात में कोका कोला जरूर पहुंच गया है। और आप देखिए कि कैसे लस्सी गायब हो गया, सत्तू गायब हो गया, और चिल्का जो आपका जींस पहना है वो भी ठंडा मुंह में लगा करके समझता है कि हम आमिर खान हो गए। ये कैसे प्रचार का इस्तेमाल किया जाता है कि हेमा मालिनी आकर के कहेंगी कैंट देता है शुद्ध पानी। अरे ये देश ऐसा है जहां लोगों को एक कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं था। किसने छुआछूत को खत्म किया? भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म किया। किसने कहा कि अगर सरकारी नल है और जात का नाम लेकर के अगर आप किसी को पानी पीने से मना करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस होगा और आपको जेल में डाला जाएगा। ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने यह अधिकार दिया। आज आपके उस संविधान के अधिकार को कैसे छीना जा रहा है प्रचार करके। क्या प्रचार है भाई? तो मोदी जी गरीब का बेटा है, भ्रम में मत रहिए, मोदी जी गरीब का बेटा थे, मोदी जी अब गरीब का बेटा नहीं है, मोदी जी अब पूंजीपति के कठपुतली हैं। इधर का डोरी खिंचाएगा उधर का कमर लचकेगा, कठपुतली डांस देखे हैं ना। तो जो पैसा खर्च किया है, जो टका लगाया है, जो माल लगाया है, जो चुनाव में चंदा दिया है, तो जब सरकार चुन करके आ जाएगी तो जिसका नमक खाए हैं उसी की नमक हलाली करेंगे। ये बात आप समझिए कि मोदी जी गरीब थे, आप गरीब हैं, और आपके टैक्स के पैसों से आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी चाय बेचते थे। तो मेरा एक सवाल है, मोदी जी आप चाय बेचते थे ना, तो चाय के बगान में जो काम करने वाली मजदूरीन है, जो अपने पीठ पे अपने बच्चे को बांध करके दिन रात मजदूरी करती है, उन मजदूरों के लिए आपने कौन सा कानून पास किया? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जीएसटी और नोटबंदी ला करके आपने उनके धंधे का कमर क्यों तोड़ दिया? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी माँ बर्तन मांजती थी तो बर्तन मांजने वाली के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में और जिस सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे और जिस सरकारी अस्पताल में उनका इलाज होता था, उसको आज आप अपने दोस्तों के हाथ में क्यों बेच दिया है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये प्रचार का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये प्रचार का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि आपके दिमाग से आपका अपना जीवन, आपकी अपनी समस्याएं और आपके जो अपने बच्चे हैं उसके भविष्य के बारे में आप सोचना बंद कर दें। और एक नया सगुफा छोड़ा गया है, अचानक से इस देश में 85 लोगों को यह समझाया जा रहा है कि देखो इकट्ठा नहीं होगे ना तो 15 आदमी घुस घुस के घर में मारेगा। अब गिनती हमको समझा दीजिए, पढ़ा से पढ़ा आदमी भी और निरक्षर से निरक्षर आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि तर्जू एगो लेकर के आइए, एक तरफ 85 किलो रखिए और एक तरफ 15 किलो रखिए, देखिए तर्जू किधर झुकता है, किधर झुकेगा? 85 के तरफ। तो 15% मुसलमान से 85% हिंदू को खतरा हो गया है। हमको समझा दीजिए जरा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है?
ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जब तक बाजार में जहां हिंदू का भी दुकानदार है मुसलमान का भी दुकान है और हिंदू मुसलमान करके आपस में नहीं लड़ेगा तब तक जीएसटी पे सवाल कैसे करेगा। वो आपस में जब लड़ेगा हिंदू मुसलमान बन करके तब ना मोदी जी चुपचाप जीएसटी लागू करते रहेंगे, रेलवे बेचते रहेंगे, भारत पेट्रोलियम बेच देंगे, रेल का कारखाना बेच देंगे, डाकखाना बेच देंगे, आपको लगता है कि धर्म खतरे में है। मेरे दोस्त, धर्म को कौन मानता है? धर्म को इंसान मानता है। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म खतरे में नहीं है, इंसान की इंसानियत खतरे में है। इस बात और आज हमारे भीतर की जो करुणा है, हमारे भीतर की जो दया है, जानते हैं गाय और माय में क्या फर्क होता है? गाय और माय का एक फर्क हम आपको बताते हैं। सानी जब लगाइएगा ना गैया को, तो बछड़ा को भी वहां उस नादी में दे दीजिएगा खाने के लिए, तो गैया दो बार खाएगी और दो बार अपने बचवा को हूरेगी। जब तक गैया का पेट नहीं भर जाएगा तब तक बछवा को नहीं खाने देगी। ये देखेंगे नहीं देखेंगे? अब माय कैसी होती है? माय भूखी रह जाएगी लेकिन अपने बच्चा को गलेजे से चिपकाए रहेगी, उसको खिलाए बिना वो खाना नहीं। ये फर्क को आप समझिए कि कैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके आपके भीतर का इंसान मार करके आपको जानवर बनाया जा रहा है। किसी इंसान का नाम देख करके उसकी हत्या के बाद अगर आपको दुख होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको दुख नहीं हो रहा है, आपके भीतर का इंसान मर चुका है और अब आप इंसानियत के गिरफ्त में नहीं हैं, आपके भीतर का जानवर जिंदा हो चुका है। मैं मर जाऊं तो कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेरी जाति का हो या ना हो, मेरी धर्म का हो ना हो, हर एक वो माँ जिसको मेरे जैसा बच्चा है वो देख करके उसको तकलीफ, आह हा हा देखो देखो बच्चा मर गया, खून देख करके लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, किसी की हत्या जब होती है तो पहले लोग उसका नाम पढ़ता है, और नाम अगर अपने जात और अपने धर्म का नहीं है तब तक उसको तकलीफ नहीं होता है। आप इंसान नहीं बचे हैं, आपके भीतर का इंसानियत मारा जा रहा है और ये मारने का काम इस देश की सत्ता कर रही है, इस देश की राजनीति कर रही है। अपने भीतर के इंसान को पैदा कीजिए, अपने भीतर के इंसान को आप जिंदा कीजिए। मीडिया वाले और एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि हिंदुस्तान ये देश, ये भारत, ये इंडिया बात है ना, अगर हमारे शरीर की तरह तो मेरा एगो हाथ से लंबा हो जाए तो ये स्वस्थ होने की निशानी है कि अस्वस्थ होने की निशानी। जब मैं बराबरी की बात करता हूँ, जब मैं मानवता की बात करता हूँ, जब मैं दया करुणा और संवेदना की बात करता हूँ, जब मैं न्याय की बात करता हूँ, जब मैं अधिकार की बात करता हूँ, जब मैं हर तरह के शोषण के खिलाफ बोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारा संविधान समता मूलक समाज की सपना का कल्पना करता है, तो हमारे कुछ मित्र हमसे कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं दोस्त सुनो, पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता है, मतलब अंगूठा में काटेंगे तो चूंकि छोटा है तो कम दर्द होगा, अंगूठी पड़ने वाला अंगुली में काटेंगे तो बेसी दर्द होगा क्योंकि लंबा। ऐसा होता है क्या है? आप जो खाना खाते हैं वो जब पचता है उससे जो एनर्जी पैदा होती है, तो क्या शरीर ये छोटा उंगली है तो इसको कम एनर्जी भेजता है और ये बड़ा उंगली है तो इसको ज्यादा एनर्जी भेजता है? सम्मान अगर ये देश है और देश जब देश के लोगों से बनता है तो इस देश के भीतर रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, वो भारतीय हैं, और किसी भारतीय का यदि खून बहता है तो किसी धर्म या किसी जाति का नहीं, सबसे पहले इंसानियत का खून बहाया जाता है। इस बात को, इस इंसानियत, इस मानवता को आज हमको अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और अगर हम इसको
अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं बनाए। तो एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। अभी रास्ते में आते हुए आईटीसी मजदूर यूनियन के ऑफिस के सामने मजदूर नेता की एक प्रतिमा है, नीलापन मुखर्जी साहब का, जो सुनील मुखर्जी के पिताजी हैं, जिनके बहन के घर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, उनके ऊपर मुझे माल्यार्पण करना था। वहां पर भाजपा का मजदूर संघ है। देखिए कि कितना निर्दयी और बेईमान है ये लोग, ये मैं आपको बताता हूं। तो मेरे वहां पहुंचने से ठीक पहले उसमें ताला मार दिया। अरे हम आडवाणी जैसा बूढ़ा हो गए हैं, जुआन छोड़ा है, हद से जो है बाउंड्री छड़प गए और माला पहना दी। मैंने 60 बरिस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।